राजस्थान के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों में साहित्यिक स्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में ख्यात की भी अपनी एक विशिष्ट जगह है। ख्यात का शाब्दिक अर्थ है ख्याति अथवा प्रसिद्धि। इसी से हम समझ सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति या राज्य की प्रशंसा में लिखा गया साहित्यिक ग्रंथ है। ये प्राय राजस्थान में ही पाई जाती हैं और मुख्यतः इनकी भाषा राजस्थानी ही है। इतिहास की दृष्टि से ये इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि इनमें राजस्थान के विभिन्न राजवंशों की स्थापना, उस राजवंश के राजाओं के राज्यकाल का क्रमिक विवरण और राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ख्यातों से हमें किसी राज्य विशेष के अन्य राज्यों से जो संबंध रहे, जैसे कूटनैतिक, राजनैतिक और वैवाहिक संबंध, उनका भी विस्तृत वर्णन मिलता है। कुछ ख्यातों में राज्यों के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजकीय समारोहों और राजदरबार की दैनिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे कि नैणसी की ख्यात, उससे हमें कुछ नगरों की स्थापना, उनका भौगोलिक वर्णन जैसे पहाड़, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, पशु पक्षी, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और कुछ जगह पर यदि राजा द्वारा कुछ झीलों या तालाबों का निर्माण करवाया गया, उसका भी वर्णन मिलता है। और यदि हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से देखें, तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इन ख्यातों का कुछ इनकी कुछ लिमिटेशन हैं, सीमाएं हैं। इनमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। जैसे पहली कमी है कि कई बार इनकी भाषा बहुत अधिक दुरूह या क्लिष्ट होती है, अर्थात आसानी से समझ में नहीं आती। कुछ जगह पर ख्यातों में घटनाओं का विवरण अन्य सामयिक स्रोतों के विवरण से मेल नहीं खाता और उनमें विरोधाभास भी मिलता है। तो इस आधार पर कई बार हमें घटनाओं का जो सही कालक्रम निर्धारित करने में या घटनाओं के तिथि निर्धारण में समस्या आती है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी इन ख्यातों की जो कमी है वो ये है कि इनमें अतिशोक्तियों और कल्पनाओं की भरमार है। हम समझ सकते हैं क्योंकि ये ख्याते राजकीय सहायता से, यानी राजा कुछ अनुदान देता था उस राजकीय सहायता से, और किसी राजा के आश्रय में लिखी जाती थी, इसलिए इनका एक पक्षीय होना, पक्षपातपूर्ण होना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार घटनाओं का इतना अधिक अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है और उसमें कल्पनाओं की ज़्यादा भरमार होती है कि यह समझना कठिन हो जाता है कि तथ्य कहाँ है और कल्पना कहाँ है। तो ये अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। और साथ ही ये भी है, क्योंकि ये एक राजा के आश्रय में रहकर लिखे गए ग्रंथ हैं, तो इसमें उसी राजा के एकांगी दृष्टिकोण को ही, यानी कोई भी जो घटना हुई उसमें सिर्फ उस राजा के ही एक पक्षीय दृष्टिकोण को बताया गया है, उसी का विवरण मिलता है और उसी को ही सही ठहराने की भी कोशिश की गई है। तो इसलिए जो ऐतिहासिक निष्पक्षता होनी चाहिए, उस निष्पक्षता का हमें इन ख्यातों में अभाव मिलता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि चाहे इनमें कितने भी कमियां हो, उसके बावजूद राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में ख्यातों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण ख्याते हैं, जैसे नैणसिरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुररी ख्यात और मुंडियार ठिकानेरी ख्यात। इनमें भी सबसे अधिक
जो प्रसिद्ध है और उपयोगी है वो है नैणसी ख्यात। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं इस ख्यात का लेखक नैणसी है, जिसका नाम पूरा नाम मोहनोत नैणसी था। इसका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ और 1670 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। करीबन 40 वर्षों तक इसने राजकीय सेवा में कार्य किया। 20 वर्षों तक यह जोधपुर राज्य के विभिन्न परगनों का हाकिम रहा और 1658 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी की प्रतिभा से प्रभावित होकर इसे जोधपुर राज्य का देश दीवान बना दिया। लेकिन नैणसी के अंतिम दिन कुछ अच्छे नहीं रहे। राजा की नाराज़गी के कारण इसे जेल जाना पड़ा और जेल में ही परेशान होकर इसने कटार मारकर आत्महत्या कर ली। अब हम इस ग्रंथ की बात करते हैं। इस ग्रंथ से नैणसी ख्यात इस ग्रंथ से हमें राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अलावा पड़ोसी जो राज्य है गुजरात, काठियावाड़, बुंदेलखंड, कच्छ और मध्य भारत के इतिहास पर भी जानकारी मिलती है। और इसमें जैसलमेर के भाटियों की उत्पत्ति का विवरण हरिवंश पुराण से और यादवों के वंश का विवरण श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर इसने दिया है। अनेक काव्य ग्रंथों, विभिन्न शासकों से संबंधित गीत, दोहे, छंद इत्यादि का भी इसने अपने इस ग्रंथ में संग्रह किया है। और इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के सिसोदिया राज्यों, हाड़ा राज्यों और जैसलमेर की भाटियों और जोधपुर और किशनगढ़ के राठौड़ों और बुंदेल राजाओं का इतिहास मिलता है। इसमें राजपूत जातियों और इसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के साथ साथ नदियों, पहाड़ों और अनेक शहरों का भी विवरण मिलता है। तो इसलिए इसकी विषय वस्तु को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक बहुत विशाल पैमाने का ऐतिहासिक ग्रंथ है और बहुत अधिक सूचनाएं अपने आप में समेटे हुए हैं। राजपूतों के इतिहास के लिए को जानने के लिए उसी काल में, यानी जिस काल में नैणसी ने अपनी नैणसी ख्यात लिखी, उसी समय में परंपरागत तौर पर हमें मुसलमानों की लिखी हुई अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, जैसे फारसी तवारीख या अबुल फजल की आईने अकबरी। लेकिन नैणसी की ख्यात को उनसे अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इसने बिना किसी भय और हिचकिचाहट के अपने वंश, स्वामी, राजा और राज्य की कमियों और निर्बलताओं का भी वर्णन किया है। यानी इसमें जो वर्णन मिलता है जितना निष्पक्ष, वह ब्रिटिश युग के गजेटियर में भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार नैणसी की ख्यात का यह ऐतिहासिक महत्व है। अगले ई लेक्चर में हम दयाल दासरी ख्यात, जोधपुरी ख्यात और मुंडियांठी कानेरी ख्यात के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।